हेलो फ्रेंड्स, चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 21 अक्टूबर और मैं जयदीप सिंह राठौर आज आपके लिए लेकर के आया हूँ 21 अक्टूबर के बेस्ट करंट अफेयर्स। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज के ताज़ा नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो जो अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और उसके सर्च बॉक्स में जयदीप सिंह राठौर अगर आप सर्च करेंगे तो मेरी आईडी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, नीति व्याख्यान श्रृंखला का चौथा संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो है हाल ही में दिल्ली में हुआ है। ओके, तो इसका जो आयोजन है वो विज्ञान भवन में हुआ था और जो आयोजनकर्ता था वो था नीति आयोग। ओके, तो नीति आयोग ने इस साल का नीति व्याख्यान श्रृंखला का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया है। तो नीति आयोग की बात आई है तो मैं बता दूँ आपको, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार। ओके, और नीति आयोग के जो CEO है यानी कि चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर उनका नाम है अमिताभ कांत। ठीक है, और नीति आयोग का फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है जिसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। करेक्ट है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के पहले घरेलू क्रूज़ अंग्रिया, ओके, उस घरेलू क्रूज़ का नाम है अंग्रिया, को किस शहर से शुरू किया गया है? ठीक है, तो भारत के पहले घरेलू क्रूज़ अंग्रिया को मुंबई शहर से शुरू किया गया है। ओके, और ये मुंबई से गोवा के बीच यात्रा करेगा। मैं बता दूं आपको कि इस क्रूज़ में 104 कमरे हैं। ओके, जो मुंबई से गोवा के बीच में ये क्रूज़ डेली अपनी यात्रा करेगा, और इसका जो उद्घाटन है वो किया था भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। ओके, तो हमारे जो भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी है वो सड़क परिवहन के मंत्री है। ठीक है, तो घरेलू क्रूज अंग्रिया का जो उद्घाटन है हाल ही में मुंबई में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति किस देश की यात्रा करके लौटे हैं? तो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो है वो बेल्जियम की यात्रा करके लौटे हैं। ओके, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एशिया यूरोप बैठक में भाग लेने के लिए गए थे। ओके, और ये जो एशिया यूरोप बैठक हुई थी ये 2 दिवसीय थी। ठीक है, और इसका जो विषय था यानी कि जो थीम थी वो थी ग्लोबल पार्टनर्स फॉर इस ग्लोबल चैलेंजेस, ग्लोबल पार्टनर्स फॉर ग्लोबल चैलेंजेस। ओके, तो ये उस मीटिंग की थीम थी और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ओके, जहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, तो भारत के उपराष्ट्रपति हाल ही में बेल्जियम देश की यात्रा करके लौटे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, मुंबई ने किस टीम को हराकर तीसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? ओके, तो मुंबई ने हराया है नई दिल्ली को। ठीक है, तो ये मुंबई ने जीती है और मुंबई ने दिल्ली को 4 विकेट से हराया है। तो इसका जो फाइनल मैच हुआ था वो हुआ था बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। ओके, और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैन थे, उनका नाम था आदित्य तारे। तो फ्रेंड्स, मुंबई इससे पहले भी विजय हजारे ट्रॉफी 2006-07 में जीत चुका है। ठीक है, तो ये उसने तीसरी बार जीता है, किसको हरा करके? दिल्ली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस जापानी नोबल विजेता का निधन हो गया है? तो इनका नाम है ओसामू सुमोमोरा का हाल ही में निधन हो गया है, और ये जापान के थे और इन्होंने नोबल प्राइज़ जीता था सन 2008 में। ओके, तो सन 2008 में इनको अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों के साथ संयुक्त रूप से रसायन का नोबल पुरस्कार मिला था, और इन्होंने जेल फिश में प्रोटीन की खोज की थी। ओके, तो उसके लिए इन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये 90 वर्ष की उम्र के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक महाराणा द इनविजिबल वॉरियर पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है रीमा हुजा ने। ओके, तो रीमा हुजा ने महाराणा द इनविजिबल वॉरियर पुस्तक लिखी है, और ये जो पुस्तक है हल्दी घाटी पर आधारित है। तो हल्दी घाटी एक बहुत ऐतिहासिक युद्ध हुआ था
महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, तो उसी का वर्णन इस किताब में लिखा गया है। ठीक है, तो इस किताब का नाम है महाराणा द इनविजिबल वॉरियर। ठीक है, और इसको रीमा हुजा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है वो हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1993 यानी कि 1993 से हर साल मनाया जा रहा है। ठीक है, तो 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के जो सह संस्थापक थे, जिनका नाम था पॉल एलन, ओके, उनका निधन हो गया है। और माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है वो दो लोगों ने मिलकर शुरू की थी, एक का नाम था बिल गेट्स और दूसरे का नाम था पॉल एलन। और पॉल एलन और बिल गेट्स जो थे ये काफ़ी अच्छे मित्र थे, ओके, यानी कि बचपन के दोस्त थे। तो इन्होंने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को स्टार्ट किया था, और हाल ही में इनका निधन हो गया है, पॉल एलन का, और ये कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और ये 65 वर्ष के थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एशियाई पैरा ओलंपिक खेल 2018 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो एशियाई पैरा ओलंपिक खेल 2018 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है चीन, ओके। तो चीन ने कुल 319 पदक जीते हैं, इसमें से 172 जो थे वो गोल्ड, 88 सिल्वर और 59 यानी कि 59 पदक जो थे वो कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, तो शीर्ष स्थान पर एशिया पैरा ओलंपिक खेल 2018 में जो देश रहा उसका नाम है चीन, और भारत जो था वो 9वें स्थान पर था। ठीक है, और भारत ने कुल 72 पदक जीते हैं, 72। ठीक है, और 72 पदक में 15 स्वर्ण थे, 24 सिल्वर और 33 जो थे वो कांस्य पदक थे। ठीक है, तो एशियाई पैरा ओलंपिक खेल 2018 में शीर्ष स्थान पर जो देश रहा है उसका नाम चीन। फ्रेंड्स, चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो है वो हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष जो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था, इसका जो विषय था वो था ओवर एक्शंस आर ओवर फ्यूचर, ओके। और विश्व खाद्य दिवस जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन द्वारा मनाया जाता है, और इसका जो मुख्यालय है वो इटली की राजधानी रोम में है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 22 अक्टूबर के बेस्ट करंट अफेयर्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ओके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।